हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फंक्शन की एक और कैटेगरी के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात की वन वन ऑन टू फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इवन ऑड फंक्शंस, इन टॉपिक्स में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन हमारे पास ऑड है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको पता चलेगा कि फंक्शन हमारे पास इवन है या ऑड है, ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इवन फंक्शन के बारे में। इवन फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन एफ ए कंटेन्ड इन आर टू आर विच इज अ रियल नंबर। ठीक है, इसे हम इवन फंक्शन कहेंगे इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, अगर मैं माइनस एक्स पुट करूं तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, ऑड फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम वेयर रियल नंबर टू रियल इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ, अगर क्या हो जाए, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। राइट, अब देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ फंक्शंस। ठीक है, और हम यहाँ बताएंगे कि वो हमारे पास इवन फंक्शन है या फिर वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, आप साथ साथ इसे ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स, राइट, अब जो एक्स है, मैं एक्स की जगह अगर माइनस एक्स कर दूँ तो वो माइनस एक्स ही रहेगा, फंक्शन क्या हुआ, ऑड, नॉट इवन। अब मैंने ले लिया एक्स की पावर टू, एक्स की जगह माइनस एक्स किया। ठीक है, करके देख लेते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर, और अगर एफ ऑफ एक्स निकालती हूँ तो वो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर विच इज अगेन एक्स स्क्वायर, तो दोनों सेम आ गए। ये किसकी कंडीशन है, इसकी, तो ये फंक्शन क्या हुआ, इवन, ऑड नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि x की पावर 2n इवन मल्टीपल हमेशा इवन रहेगा, ऑड नहीं होगा। राइट, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा इवन होता है, ऑड नहीं होता। अब मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे इवन पावर है, प्लस में x, ये इवन, और प्लस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर इज अ इवन फंक्शन, एक्स इज अ ऑड फंक्शन एंड वन इज अ कॉन्स्टेंट। इट इज, हमारे पास ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो हमारे पास ये फंक्शन इवन है और ना ही ऑड है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले, जो इवन फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन, दे आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। आपको पता है कि वाई एक्सिस कौन सी होती है, दिस वन, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक होते हैं। राइट, ऑड फंक्शंस सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, जैसे ये और ये, दीज आर अपोजिट। ठीक है, थर्ड वन, जीरो फंक्शन, इट इज द ओनली फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ऑड। ये हमारे पास इवन फंक्शन भी होता है और ऑड फंक्शंस भी होता है। ठीक है, फोर्थ वन, देर आर सम फंक्शंस फंक्शन दैट आर नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो वो
इवन होते हैं और ना ही वो ऑड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट, एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड ऑड फंक्शन बोथ, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे, कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, मैंने टू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वन बाई टू का रखा बार टू एफ ऑफ एक्स, मैं ऐसे लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वन बाई टू। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड किया एफ ऑफ माइनस एक्स को, प्लस में एफ ऑफ एक्स, और सब्ट्रैक्ट किया एफ ऑफ माइनस एक्स को। अब सेपरेट कर दीजिए, वन बाई टू यहाँ क्या आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ माइनस एक्स, अलग कर दिया, प्लस वन बाई टू, बिकॉज ये वन बाई टू हमारे पास पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ माइनस का एक्स। इस फंक्शन को तो आप बोल दीजिए जी एक्स, और इस फंक्शन को आप बोल दीजिए एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स को इवन एंड ऑड फंक्शन के सम की फॉर्म के अंदर लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एफ इज डिफरेंशियबल, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है, ठीक है, और एफ इज इवन, और अगर वो इवन है तो जो उसका डेरिवेटिव होगा वो ऑड होगा, ठीक है। इफ एंड इफ एफ इज ऑड तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, ठीक है, राइट। आइए अब कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज हम इसकी लिखते हैं, ठीक है। उससे पहले आप कंपोजिशन भी बता देते हैं कि मान लीजिए एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू एफ एन, ये हमारे पास कंपोजिशन है, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है। एंड इज इवन इफ एफ एन इज इवन, अगर वो हमारे पास इवन होगा तो हमारे पास ये कंपोजिशन क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट सम कंपोजिशन क्या क्या बनते हैं, राइट। यहाँ मैंने लिखा एफ एंड दिस इज जी, एफ प्लस जी, एफ इन टू जी, एफ डिवाइड बाय जी एंड एफ ओ जी। यहाँ पे लिख लीजिए जी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। फंक्शन ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो सम भी इवन होगा, प्रोडक्ट भी इवन होगा, डिवाइड करूंगी इवन आएगा, कंपोजिशन भी इवन आएगी, ई फॉर द इवन, ठीक है, ओ फॉर द ऑड। अब नेक्स्ट मान लीजिए दोनों ऑड है, दिस फंक्शन इज ऑड, दिस फंक्शन इज ऑड, सम कैसा आएगा, ऑड, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इवन, डिविजिबिलिटी हो जाएगी इवन, एंड कंपोजिशन इज अगेन ऑड। यानी कि मल्टीप्लीकेशन में और डिविजिबिलिटी में फर्क पड़ेगा, वो ऑड नहीं रहेंगी, वो इवन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एफ तो है इवन और जी है ऑड, तो जो सम है इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही वो इवन होगा ना ही वो ऑड होगा, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी ऑड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑड, एंड डिविजिबिलिटी इज अगेन ऑड, एंड कंपोजिशन इज इवन, ठीक है। अब इन्हें इंटरचेंज कर दीजिए, जो एफ है वो तो है ऑड और जो जी है वो है इवन, फिर से सम हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, अगेन ऑड, डिविजिबिलिटी अगेन ऑड, एंड दिस इज अगेन इवन, ठीक है।
तो ये जो टेबल है यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि दोनों फंक्शन इवन हो, तो देखिए सारी ही प्रोडक्ट्स हमारे पास जो भी हमारे पास रिजल्ट है इवन है। अगर ऑड है तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड एडिशन एंड कंपोजिशन ऑड है, अदरवाइज दोनों इवन आते हैं। सम के बारे में इवन ऑड में हम कुछ नहीं कह सकते, इट विल बी नाइदर इवन नॉर ऑड। एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट और डिविजिबिलिटी है वो रहेंगी ऑड, एंड कंपोजिशन इज इवन, कंपोजिशन इवन रहेगी। ठीक है, कंपोजिशन सिर्फ ऑड, जब दोनों फंक्शन ऑड हो उसके केस में ऑड रहती है। ठीक है, तो दिस इज अ टेबल जहाँ से आप डायरेक्टली रिजल्ट्स देख सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट सम हमारे पास कैसा होता अगर फंक्शन इवन ऑड हो। फंक्शन को इवन ऑड चेक कीजिए और डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दीज आर सम बेसिक रिजल्ट। अगली हम वीडियो में हम बात करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।